हमारे ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। नमस्कार। बजट मैं कहूंगा एक अच्छा दूरदृष्टि और देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह बजट आज पेश किया गया है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पिछले साल जो कार्य किया था वही कमिटमेंट को देखते हुए इस बार बजट पेश किया गया है, और इलेक्शन होने के बावजूद भी जो यूजुअली आज तक होते थे कि सोप्स दिए जाते थे इलेक्शन वोट्स के लिए, वो बिल्कुल भी इसमें दिखाई नहीं दिया। एमएसएमई और हाउसिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखा गया है। रूरल डेवलपमेंट जो हमेशा फोकस रहा है वो भी इसमें देखे गया है। हाँ, नाराज़गी अवश्य है कि जिस सेक्टर को थोड़ा बहुत एग्जम्पशन मिलना चाहिए था, विशेष करके टू व्हीलर इंडस्ट्री पे, जो नहीं दे सके, जो आज के डेट में कीमतें बहुत बढ़ चुकी है। आज पिछले चार साल में लगभग एक टू व्हीलर 1,00,000 रुपये की हो गई जो अफोर्ड नहीं कर सकता है एक आम आदमी। तो हमें उम्मीद थी कि उस पर कुछ गवर्नमेंट करती थी, अन्यथा यह बजट बहुत सुंदर बजट था। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।